हेलो गेमर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी रैंडम प्लेयर के साथ खेलकर अपना रैंक पुश कैसे कर पाओगे और रैंडम प्लेयर के साथ आपको कैसे खेलना है। सभी चीजों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और उसके साथ ही मैं आपको एक अच्छे से कैरेक्टर कॉम्बो भी बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हो तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कौन से कैरेक्टर का यूज करना है, सबसे पहले एक एक्टिव स्लॉट में आपको तस्वीर कैरेक्टर का यूज करना है, फिर सेकंड पैसिव स्लॉट में आपको वुल्फरा कैरेक्टर का यूज करना है और तीसरे पैसिव स्लॉट में हयातो कैरेक्टर का यूज करना है एंड फोर्थ पैसिव स्लॉट में आपको एंटोनियो कैरेक्टर का यूज करना है और उसके साथ में आपको कोई सा भी पेट यूज कर लेना है। लेकिन आपको मैं सजेशन दूंगा कि फाल्को पेट को लेकर जाना है जिससे आपकी फास्ट लैंडिंग होगी और यहाँ पे सीक्रेट क्लू का भी यूज करना है आपको, जिससे आप लोग को लूटने के लिए कोई श्योर्स उपलब्ध हो तो आप लोग को सीक्रेट क्लू का यूज करना है। सो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने गेम की ओर। जैसा कि मैं लैंडिंग कर चुका था, फैक्ट्री पे किया था मैंने लैंडिंग और यहाँ पे मेरे को लैंडिंग करने के बाद ही पोचनक पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को दो गन मिल चुकी थी जो कि बंदे को टपकाने के लिए बहुत काफ़ी था। और आपको सबसे पहले यहाँ पे अच्छी खासी लूट कर लेनी है, कंप्लीट कर लेना है, तभी जाके आप लोग को फाइट करने जाना है, अन्यथा आपको कोई भी बंदा मार के चला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अच्छा खासा वेस्ट भी ढूंढना है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करता है रश करते टाइम। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा अपना लूट कर लेना कम्प्लीटली और मैं पोचिनो के वाले घर के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को कोई भी लूट देखने को नहीं मिलती है। और तभी मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे को यहाँ पे UMP मैंने लिया तो था लेकिन मैक 10 पड़ी थी जो कि बहुत ही घटिया चलती है मैक 10, तो मैं इसीलिए नहीं लिया। तो मेरे टीममेट को जो था रैंडम प्लेयर को यहाँ पे एक एनिमी दिखता है जो मेरे को भी दिखाई देता है जो कि बुकोंग बना था और वो जो था मेरे टीममेट को बहुत ही डैमेज दे दिया था। तो मेरे टीममेट ने उस बंदे को क्लियर कर दिया था और यहाँ पे मेरा दूसरा जो बंदा था वो मर चुका था जिसको मुझे रिवाइव देना था और यहाँ पे टोकन भी थे 800। तो मेरा टीममेट जो है चला जाता है रिवाइव देने चला जाता है और मैं भी उसके पीछे चले जाता हूँ क्योंकि सपोर्टर एक बंदा चाहिए जो पीछे आपको सपोर्ट करे। तो मैं जो रैंडम प्लेयर था मैं उसका सपोर्ट करने जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को बंदे बहुत दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वाड ही पूरा लैंडिंग की थी तो यहाँ पे मेरे को संभल के खेलना चाहिए था। और यहाँ पे मेरे जो टीममेट थे वो रश कर रहे थे जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी मर रहे थे। और आपके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन होगा कि आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेलोगे तो आपके जो रैंडम प्लेयर होंगे वो जाके सबसे पहले रश करके मर जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे होल्ड करना है ना कि रश करना है अपने टीममेट को देखा सीखी। और जैसे कि मेरा बंदा जो था रश करने गया था और उसको किसी बंदे ने डाउन कर दिया था, दो बंदे वहाँ पे उसके थे तो जिसको मैं एक को डाउन कर देता हूँ और उसके किल का अपने टीममेट का जो था रैंडम प्लेयर का मैं उसका किल भी दिला देता हूँ और यहाँ पे मैं रिवाइव दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास 800 टोकन थे और मैं रिवाइव दे देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ आगे और इस बंदे को क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे बहुत ही घमासानी युद्ध हुआ था भाई और यहाँ पे मेरे को UMP की जगह मैं दूसरी गन लेना चाहता था और यहाँ पे मैंने वो M107 ले लिया था जिसका मेरे पास स्किन भी था जो कि गरीना वालों ने सबको 77 रेंज के लिए दिया है। और यहाँ पे मेरा अच्छा खासा सभी लूट हो गया था और जो मेरे टीममेट्स था उसमें से अभी एक और रिवाइव देना था जिसको मैं देने चल देता हूँ। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो भाई मेरे जो तीनों बंदे थे वो तीनों के तीनों मर जाते हैं और लास्ट में मैं बचता हूँ। और आपको भी इसी तरह होल्ड करके खेलना है, जो कि रैंडम प्लेयर होते हैं वो तो रश करना उनको पसंद होता है भाई और वो रश करके जाके मर जाते हैं और आप जो है आपका भी मानस पड़वा देते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके खेलना है, ज़्यादा रश करने नहीं जाना है कि उनको देखा सीखे, आप लोग भी जाओ और रश करो। जैसा कि यहाँ पर मैं उनको कवर देता हूँ अपने टीममेट्स को, लेकिन मेरे टीममेट्स को जो एनिमी था वो डाउन कर देता है। जो रैंडम प्लेयर मेरे थे वो बहुत ही नूबड़े की तरह खेल रहे थे और यहाँ पे बार बार मर जा रहे थे, लेकिन मैंने सामने वाला जो एनिमी था मैं उसको ले लेता हूँ और अपने टीममेट को साथ में कवर भी हो जाता है मेरा और मेरा किल भी हो जाता है। सो आपको भी इसी तरह अपने टीममेट को कवर देना है और किल करते रहना है और अपने टीममेट को जब मरते हैं तो तुरंत को रिवाइव देना है, अन्यथा वो आपको गाली देंगे तो आप लोग को खेलने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना अपने टीममेट्स का। जैसे कि मैं मेरे टीममेट्स देख रहे हो बार बार मर रहे हैं लेकिन मैं इनको टोकन जोड़ जोड़ के बचा के थक गया हूँ भाई। और यहाँ पे जो है आपको होल्ड करके रखना है, ज़्यादा ज़्यादा जितना हो सके उतना होल्ड करके रखना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे सामने जो एनिमी थे वो बहुत ही खतरनाक थे और उनके स्क्वाड के बंदे भी अच्छे खासे थे, तो जो सामने वाली स्क्वाड थी मेरे टीममेट्स को बार बार मार रही थी, जो मेरे रैंडम प्लेयर्स थे उनको बार बार मार के डाउन कर देती थी। और यहाँ पे मेरे को एक बंदा सामने दिखाई देता है जो कि ग्लू वॉल लगा लेता है और मैं उनको फायरिंग करता हूँ,
क्योंकि बार बार ग्लू बॉल लगा लेते हैं। और मैं यहाँ पे दूर से देख ही रहा था, तभी मेरे को यहाँ पे एक बंदा और दिखाई देता है जो कि लैंडिंग करता है, जिसे मैं लैंडिंग करते हुए दो गोली मार देता हूँ। लेकिन वहाँ पे एक एनिमी था जो कि मेरा किल चुरा लेता है, और मैं दूर से यहाँ से डैमेज दे रहा था और मेरे जो एनिमी लोग थे वो मेरा किल चुरा रहे थे। तभी मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ पे मेरे टीममेट जो है अंधाधुंध यहाँ पे रस किए जा रहा था। भाई रैंडम प्लेयर यही होते हैं कि इनसे रस करना आता तो है नहीं, लेकिन ये रस करने जरूर जाते हैं। और यहाँ पे जो सामने वाला बंदा था ग्लू बॉल के पीछे, उसको मैंने दो गोली दी, लेकिन वो ग्लू बॉल बार बार लगा लेता था, जो कि मेरे को मारने में बहुत ही कठिनाई आती थी। और मेरे जो टीममेट्स थे वो साले किल चोर वो भी थे, और जो एनिमी था वो भी। लेकिन आप लोग को यहाँ पे दूर से कवर देते ही रहना है, ज़्यादा क्लोज रेंज में तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टीममेट होता है रैंडम प्लेयर्स वो एकदम घटिया गेम प्ले उनका रहता है पहले से भी, और यहाँ पे मर जाएंगे और आपको बाद में कोसते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे रस नहीं करना है। जैसे मेरे टीममेट ने यहाँ पे वाइप आउट तो कर दी थी, लेकिन यहाँ पे अभी दूसरी स्क्वाड भी हो जाती है जो कि फ़ायदा उठाने आई थी। और यहाँ पे जैसे फायरिंग होने लगता है सामने से, जिसको मैं सामने जो आ रहा था बंदा मैं उसको दे देता हूँ डैमेज। और यहाँ पे मैं अपने वेपन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, और एक्सेमेंट मैंने ले लिया था। और यहाँ पे एक बंदा और लैंडिंग करता है जिसको मैं डैमेज देता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ग्लू बॉल के पीछे कवर ले लेता है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ रस करने की, उसको बंदे को मारूँगा, और मेरे को यहाँ पे वो बंदा एक गोली को दिखाई देता है, तो मैं उसको मार के इजीली डाउन कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर भी कर देता हूँ। तभी मेरे को पीछे से एक बंदा और डैमेज करने लगता है, जो कि बहुत ही डैमेज मेरे को दे दिया था। और मैं यहाँ पे सुपर हील कर लेता हूँ, और हील करने के बाद यहाँ पे मेरे पास फ्लैश दो पड़ी थी, तो जो कि मैं डाल देता हूँ और उसको डैमेज पड़ता है। और तभी मैं यहाँ पे रस करने जाता हूँ, और वो ऊपर था और मैं नीचे, तो उसको मेरा पूरा वन टैप लग जाता है। मैं उसको वन टैप मार देता हूँ M107 का, और डाउन में भी वो हेडशॉट दे देता हूँ। और यहाँ पे ये बंदा क्लियर हो जाता है, और इस बंदे को मैं इतना गंदा मारता हूँ क्या बताऊँ, बहुत ही तगड़ा अचानक से लगा, लेकिन लग तो गया। और यहाँ पे मैं लूट करने आ जाता हूँ इधर, और मेरा टीममेट्स जो था एक ख़त्म हो गया था, इसे मैं सोचता हूँ रिवाइव दे दिया जाए। और यहाँ पे मेरे पास टोकन्स तो कम थे 200, जो कि मेरे टीममेट ने लूट लिया था। और यहाँ पे मेरे पास 700 टोकन हो गए थे, तो मैं चल देता हूँ अपने टीममेट को जो रैंडम प्लेयर था उसको मैं रिवाइव देने चल देता हूँ। और मेरे मुँह से बार बार एक ही चीज़ निकलता है, टीममेट, जबकि नहीं है वो रैंडम प्लेयर्स हैं। रैंडम प्लेयर्स को रैंडम प्लेयर्स की नज़रों से ही देखा जा सकता है, क्योंकि रैंडम प्लेयर्स जो होते हैं बहुत ही ख़तरनाक प्लेयर होते हैं भाई, बहुत ही डेंजरस होते हैं। और आप लोग को इन बंदों से बच के रहना है, और आपको अच्छे से खेलना है, इनके साथ अच्छा परफॉर्मेंस करके खेलना है, क्योंकि ये बंदे गाली भी देते हैं। और आपने इस मैच में एक चीज़ गौर किया क्या, यहाँ पे जो है हार्ड वाला ऑप्शन है मेरे ऊपर, देख रहे हो ग्लिच देख रहे हो ऊपर, एकदम से हार्ड वाला ऑप्शन है जो कि सोलो में दिया करता है। और यहाँ पे मेरा फाइनली 5 किल हो गया था यहाँ पे, और मैंने अच्छा अपने टीममेट्स को कवर दिया, तो आप लोग को भी ऐसे कवर देना है सेम टू सेम मेरे जैसे। और आप लोग को रस बहुत कम करना है, यानी कि रस को इग्नोर करते जाना है। मैं तो यहाँ पे रस किया क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा वेपन था। और आप लोग भी ऐसे पहले पूरा अच्छा वेपन लूट लेना, एंड वेस्ट वेस्ट अच्छा तगड़ा वाला ले लेना, उसके बाद ही रस करना, मैं आप लोग को सजेशन दे रहा हूँ। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज करना, और अपने टीममेट के साथ ही रहना, ज़्यादा दूर मत रहना, अनदर वे आप लोग पिलर भी सकते हो, मतलब कि आप मर भी सकते हो, मैं अपने बघेली लैंग्वेज में बोला हूँ पिलर सकते हो। आप लोग इन बातों को इग्नोर करना और गेम प्ले पे फोकस करो, क्योंकि जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ उस ट्रिक को कोई भी नहीं बताने वाला है। तो जो मैं ट्रिक देता हूँ उसी चीज़ को आप लोग फॉलो करके चलना है। और आप लोग ढेर सारा अगर आपको भी प्लस करना है, तो जो मैं ट्रिक और आप लोग को बताता हूँ टिप्स एंड ट्रिक, जो भी स्ट्रेटजी जिसे बोल सकते हो आप लोग, तो आप लोग को इसी स्ट्रेटजी का फॉलो करना है, और आप लोग का भी अच्छा खासा प्लस होने वाला है। और यहाँ पे जैसा कि मैं यहाँ पे लूट रहा था, तभी एक बंदा लैंडिंग करता है जिसे मैं दो गोली मारता हूँ, फिर एक गोली और जंप करके मारता हूँ, और इसके हेड लग जाता है, और मैं इसको इजी पीजी ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं नूढ़े बंदे को मारता हूँ भाई। आपको भी इसी तरह ड्रॉप को लूटना है, और यहाँ पे अच्छा खासा वेस्ट आपको मिल जाता है, 4 लेवल का वेस्ट मिल जाता है। आपके पास अगर अर्सेनल की मिलता है तो आपको अर्सेनल खोल के वहाँ से वेस्ट ले लेना है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा खासा वेस्ट रहेगा तो आप लोग सामने वाले एनमी को ज़्यादा एडवांटेज रहेगा कि आप लोग सामने वाले एनमी को ईजी पीजी मार दो, और आपको डैमेज ही देता रह जाएगा, और आपको बहुत कम डैमेज पड़ेगा। लेकिन आप अगर फायरिंग करोगे तो उसके ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, यानी कि अगर आपके पास अच्छा खासा लूट रहेगा तो आप लोग सामने वाले एनमी को ईजी पीजी मार लोगे, और अपने टीममेट को जो है कवर भी दे पाओगे।
और जैसा कि यहाँ पे मैं क्लॉक टावर पे आ जाता हूँ और मेरे को यहाँ पे सामने में देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को निकी बंदा दिखाई देता है जो कि मैं यहाँ पे चल देता हूँ। और क्लॉक टावर में यहाँ पे जॉन भी बनने वाला था और बहुत ही छोटा सर्कल हो गया था। अभी भी 19 बंदे अलाइव थे और इनमें से क्या मैं अभी भूया कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, आप लोग कमेंट करके बताओ। और यहाँ पे मैं क्लॉक टावर के पास आ जाता हूँ और जो मेरे टीममेट्स थे वो गाड़ी चला रहे थे और यहाँ पे बिल्डिंग मशीन पे यहाँ पे किसी ने लैंडमाइन लगाया था, तो मैं यहाँ पे फोड़ देता हूँ। क्या पता मेरे को ही रिवाइव देने जाना पड़े फिर से अपने टीममेट्स को, तो यहाँ पे मैं ही सुहा हो जाऊँ। और मेरे को ये सामने वाले घर पे जो है एनिमी दिखाई देते हैं जो कि मैं स्कोप करके देख रहा था। और यहाँ पे एक को रेड भी पड़ता है, रेड यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि रेड डॉट जो मेरा होता है ना स्कोप को वो पड़ जाता है। और यहाँ पे मैं 28 का डैमेज दे देता हूँ और यहाँ पे मैं जूम करके देख ही रहा था तभी मेरे को रेड डॉट आता है बार बार, लेकिन यहाँ पे बार और यहाँ पे लगातार डैमेज पड़ने लगता है और मैं उस बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज देकर डाउन कर देता हूँ और उस बंदे को मैं यहाँ पे क्लियर ले लेता हूँ। और यहीं पे मेरा 7 किल पूरा फाइनली कंप्लीट हो गया था। और अभी भी देख रहे हो इतने छोटे जोन पे 19 बंदे अभी भी अलाइव हैं। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने बंदों को कवर देने के लिए जो कि मेरे टीमर्स जो थे रैंडम प्लेयर्स जो थे वो यहाँ पे रश कर रहे थे। और मेरे को सामने से तभी एक सेंटिनो वाला बंदा दिखता है जिसे मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन वो कवर ले लेता है, उस घर पे छुप जाता है और मैं उसको नहीं मार पाता हूँ, उसका बाल भी व्याका नहीं कर पाता हूँ और वो इजीली बच जाता है मेरे वार से। और यहाँ पे मेरे को तभी नीचे बंदा दिखाई देता है जिसे मैं जूम इन आउट करके डैमेज दे रहा था अपने टीममेट्स को सपोर्ट करने के लिए, तभी मेरे को यहाँ से पीछे से भी डैमेज पड़ने लगता है, तभी मैं यहाँ पे ग्लू लगा के मेडिकेट करने लगता हूँ। और यहाँ पे मेरा एक टीममेट था जो कि मर गया था जिसे मैं चल देता हूँ रिवाइव देने और यहाँ पे मैं इसको रिवाइव भी दे देता हूँ। तो आपको भी टोकन बचा के रखना है जिससे आप लोग लास्ट जोन में जो है अपने टीममेट्स को रिवाइव दे पाओ। तो आप लोग को भी इसी तरह सपोर्ट करना है और अपने टीममेट्स के जो रैंडम प्लेयर हैं उनके साथ ऐसा ही खेलना है और उनको जितना हो सके उतना ही यानी कि आपको सपोर्ट करना है, दूसरे डैमेज देना है जिससे कि आपके जो सामने जो आपके रैंडम प्लेयर होंगे वो अगर फाइट करने जाएंगे तो उस बंदे को मार देंगे और आप यहाँ पे फाइट जीत सकते हो। तो आप लोग को दूर से हमेशा कवर देना है क्योंकि रैंडम प्लेयर्स के अंदर उतना आईक्यू नहीं होता है कि वो उस बंदे को मार पाएँ, तो आप लोग को उनका सपोर्ट करना है। और यहाँ पे जैसे कि मैं इस बंदे को मैं रस करके दो गोली जो एमोनेटर 7 की मार देता हूँ, तीसरी गोली भी मारता हूँ लेकिन वो बंदे को कुछ भी नहीं पड़ते। और लेकिन यहाँ पे लास्ट गोली जो मैं मारता हूँ जिसको हेडशॉट लग जाता है और ये बंदा इजी पीजी डाउन हो जाता है। और मैं अपना जोन कवर करने लगा था, मेरे को ऊपर बंदी एक दिखाई देती है जिसे मैं डैमेज देता तो हूँ लेकिन वो बंदी जो है बच जाती है और मैंने जिसे डाउन किया था वो मेरे को किल मिल जाता है और यहाँ पर मेरा 8 किल हो जाता है। और मेरे को छोड़ के अभी यहाँ पे अभी लगभग 10 बंदे अभी अलाइव थे हमारी स्क्वाड को छोड़कर। और यहाँ पे एक पीछे जो बंदा था मॉन्स्टर ट्रक से जिसको डाउन कर दिया था उस बंदे ने, तो मैं उसका किल चुरा लेता हूँ और यहीं पे मेरा 9 किल हो जाता है। और यहाँ पे मेरे साथ लास्ट में बहुत गंदा सीन होता है लेकिन आपको लास्ट में वो गलती नहीं करनी है। जैसा कि यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखाई तो देता है लेकिन मैं इसको सीधे रश कर देता हूँ और तभी मेरे को सामने से आकर वो मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा था वो मेरे को मार देता है और मैं यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता हूँ। और आपको लास्ट में गलती नहीं करनी है, आप लोग को लास्ट में अपना जोन कवर करना है उसके बाद फाइट करनी है जो कि मेरे टीममेट्स और मैंने भी गलती की है, लेकिन आप लोग को ये गलती दोहराना नहीं है। और यहाँ पे मेरे जो रैंडम प्लेयर था उसने एक बंदे को यहाँ पे ले लिया था और इसका 4 किल हो गया था। और रैंडम प्लेयर जो थे रस तो बहुत कर रहे थे लेकिन उनका किल बहुत ही कम है, मेरे से तो बहुत ही कम है, सिमिलर है मेरे से। और यहाँ पे मैं अपनी गलती के कारण मैं मर जाता हूँ यहाँ पे और मेरा एक टीममेट और डाउन हो जाता है जिसे सामने वाले जो एनिमी थे वो मार देते हैं। और यहाँ पे मेरे जो 2 टीममेट्स बच गए थे जिसमें से एक मेरे को जाती है, जो लड़की थी ना वो मेरे को जाती है रिवाइव देने और इधर पर यह रस करने आता है, उधर मैं रिवाइव हो जाता हूँ और यहाँ पे जहीं फायरिंग करते उतने मैं रिवाइव हो जाता हूँ। और यहाँ पे रिवाइव होने के तुरंत बाद ही जो मेरे 2 रैंडम प्लेयर्स थे वो दोनों डाउन हो जाते हैं और यहाँ पे मेरे को फाइनली रिवाइव मिल चुका था लास्ट जोन के अंदर। लेकिन मेरे पास यहाँ पे टॉमी के अलावा यानी टॉम्पोज के अलावा कुछ भी गन नहीं थी, तो यहाँ पे क्या मैं इस मैच को विन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पे जैसा कि मेरी एंट्री तो हो चुकी थी यानी कि मैं रिवाइव हो चुका था और यही मैं लैंडिंग करता हूँ उसके पश्चात ही मेरे को मार दिया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा मैच ये
मेरे हाथों से चला जाता है, वो भी मेरे गलती के कारण। और मुझे इस मैच में टोटल 30 का प्लस मिलता है और मैंने यहाँ पे नॉक किल किया था और अच्छा खासा डैमेज भी दिया था। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो, और बेल आइकन को भी सेट कर लेना इसी तरह के और न्यू वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।